नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं या आधारशिला रखते हैं तो पत्रकारों से लेकर आम जनता को ये बताना नहीं भूलते कि 2006 के पहले का बिहार देख लीजिए और आज इस 15 साल का बदलता बिहार निश्चित तौर पर देखिए। जी हाँ, शायद लालू बड़े करीब रहे नीतीश कुमार के और नीतीश जी भी बड़े करीब रहे लालू यादव के, तो वो दिन जिसे हम कह लें कि वो दोस्ती के दिन, उस समय क्या हुआ था, नीतीश कुमार जी हमेशा इसी बहाने याद कर लेते हैं उन्हें। आज भी जब कारगिल चौक से लेकर और साइंस कॉलेज तक बिहार का बनने वाला पहला डबल डेकर ब्रिज के आधारशिला को रख रहे थे नीतीश कुमार, तो उस समय उन्होंने फिर से 2006 के पहले के बिहार की याद दिला दी जनता को। और जैसा कि मैंने कहा, हमेशा चुनाव से पहले का भी उन्होंने दृश्य जो है चुनाव के समय भी उन्होंने हमेशा कहा था कि जरा देख लीजिए 2006 के पहले का बिहार। आज भी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम आपसे निवेदन करेंगे, वो भी हाथ जोड़कर, कि आप कम से कम 2006 के पहले वाला बिहार भी निश्चित तौर पर दिखाया कीजिए कि 2006 के पहले बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। तमाम लगने वाले जामों का उन्होंने जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने यहां तक कहा कि 12 घंटे लग जाते थे उत्तर बिहार के जिलों से पटना आने में, जो अब मात्र 5 घंटे में लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज की खास बात यही रही जो हम आपको सुनवाते हैं कि नीतीश जी ने पत्रकारों से बड़ा एक अलग अंदाज में ही कहा कि 2006 के पहले का भी बिहार आप लोग दिखाइए कि वो बिहार क्या था। और उस समय इसे कहा जा सकता है कि चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एकाध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज है। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं, तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए। तो ये थे नीतीश कुमार। आज शायद पत्रकारों पर भी उन्होंने चुटकी लिया कि आप हमेशा जो है दिखाते हैं कि ये ब्रिज का शिलान्यास हुआ, ये आधारशिला रखी गई, लेकिन कभी भूतकाल में भी चले जाइए, पास्ट में भी जाइए और 2006 के पहले का भी विकास दिखाइए कि क्या था बिहार और हमने क्या बनाया बदलता बिहार। क्योंकि लोग आप लोगों को ज्यादा सुनते हैं, पत्रकारों की बातें आजकल ज्यादा सुनी जाती हैं। खैर, वास्तव में ये सच्चाई भी है कि बदलता बिहार कम से कम रोड के मामले में तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अब देखना है कि इसके आगे और भी जो बिहार में समस्याएं हैं, नीतीश कुमार उसे किस तरीके से बदलते हैं, इस पर भी हम खबरों को लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।